हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाई ऑनलाइन में। हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म आया था उसके बारे में। जिन लोगों की हमारी फीस कट चुकी है, फीस कटने के बाद भी मतलब पैसा आपके अकाउंट से डिडिक्ट हो चुका है, ओटीपी भी आई, ओटीपी अपने फिल की और फिल करने के बाद भी आपका ट्रांजेक्शन फेलियर दिखा रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनका ट्रांजेक्शन कैसे होगा स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताते हैं। अब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ में। और हाँ, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर चैलेंज से पर दैट मीन आपको हम एस एस सी की ऑफिशियल साइट पर लेकर चैलेंज से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और हो सके तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं हम आपको लेकर के सीधे अपने वेबसाइट पर। वहाँ पर देखो, हम पहले से लॉगिन किए हुए हैं तो करते हैं क्लिक, फोटो डाटाबेस पर करते हैं क्लिक। डैशबोर्ड में पहुंचने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे हमारा नाम देख सकते हैं लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, अप्लाई एप्लीकेशन हिस्ट्री है, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन है, और रिजल्ट और मार्क वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेबल डिस्क्रिप्टिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो बात करते हैं कि जिनकी फीस कट चुकी है और उनका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, फेलियर दिखा रहा है, तो उनको क्या करें। अब देखो, हमारा भी कुछ दिन पहले मैंने किया था अपना ट्रांजेक्शन और मेरा फेल हो गया था, और अब देखते हैं चेक करके क्या होता है। तो हम यहाँ से जाते हैं कि पेमेंट स्टेटस पर करते हैं क्लिक, और पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखो, यहाँ पर मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन आई डी है, ट्रांजेक्शन नंबर है, ट्रांजेक्शन की डेट रेफरेंस डेट है, और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 8/8 को मैंने किया था और आज हो चुकी है 21 तारीख, मतलब ये मेरा 5 दिन पहले ही हो गया था, और अभी मेरा ट्रांजेक्शन आपको देख सकते हैं सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो आप 5 से 6 दिन का वेट कीजिए, और मैं वादा करता हूँ आपका अपने आप ऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि एस एस सी की साइड आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। और अगर हो सके, जिन दोस्तों ने अभी तक जब भी फीस काटनी है आपको, तो रात्रि में आप 2 बजे से सुबह 5 बजे तक के टाइम में कीजिएगा, क्योंकि तब साइड अच्छी चलती है, तो आपका फॉर्म ज़रूर हो जाएगा। और आपको बता दें कि जिन दोस्तों ने अभी तक बिल्कुल अप्लाई नहीं किया है, तो वो अपने जो फॉर्म है उसके नीचे, फ़ोटो के नीचे अपनी डेट ज़रूर लिखें, और जिन्होंने डेट नहीं लिखी है उनको घबराने की ज़रूरत है नहीं। और उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, लिंक में आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में आप रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो सच में अच्छा लगता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।